नेता प्रतिपक्ष के बाद बिजली आपूर्ति को लेकर श्याम रजक ने भी सरकार को लिया निशाने पर। कहा, मां को बेचकर मासी से बिजली खरीद रही है राज्य सरकार। क्या कुछ कहा श्याम रजक ने, आइए देखते हैं वीडियो में। तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए तो अब एनडीए के नेता कह रहे हैं कि जब आप लोगों का यानी राजद का शासनकाल था तो रात में शौच के लिए भी सोचना पड़ता था, बिजली कटी रहती थी। अब सवाल उठा रहे हैं आप लोग। माननीय तेजस्वी यादव जी ने बड़ी सही बात कहा है। शायद उनको नहीं मालूम है जो लोग बोल रहे हैं, कोई आदमी अपनी माँ को नहीं बेचता है। और एनडीए सरकार से नीतीश कुमार जी ने जो कांटी और बरौनी, जो हमारा अपना थर्मल पावर था, इसको इन्होंने एनटीपीसी के हाथों में बेच दिया। यानी कि जो निर्माण करता थे, जो हमारा थर्मल जो माँ का रूप है, वो माँ को बेच कर करके और मौसी से खरीद रहे हैं बिजली। ये ऐसे लोग हैं जो अपना धन बेच करके, अपनी संपत्ति बेच करके के और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ऐसे निकम्मे औलाद ही इस तरह का हरकत कर सकते हैं। हमारा कांटे बरौनी इतना धीरे धीरे अच्छा हो रहा था, हमने यहाँ पर ग्रिड बनाया था। ये 400/210 ग्रिड जो है संपचक में, वो किनके समय बनाया गया है? ये यूपीए सरकार, लालू जी की सरकार, राबड़ी देवी की सरकार, और मैं उसे बिजली मंत्री था उस समय, ये बना है। और यहीं से पूरे बिहार में बिजली जाती थी और दर्जनों ग्रिड स्टेशन बने और सैकड़ों सब स्टेशन बने। उस समय बिजली हमको नहीं मिलता था भारत सरकार से। जो हमारा ईआरईसी है, ईस्टर्न रीजन इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, उसका हिस्सेदारी होती थी बिहार को, झारखंड को, कलकत्ता को और एनटीपीसी को। सारे बिजली एक जगह इकट्ठा होता था, हमारा हिस्सा होता था, वो नहीं मिलता था। इसके बावजूद हम लोगों को बिजली दे पाते थे और उससे भी हमको कहा जाता था कि आप अपने थर्मल पावर को बेच दीजिए। हमने नहीं बेचने का काम किया, इन लोगों ने बेच दिया। अब ये बिजली खरीद रहे हैं, अब बाहर से बिजली खरीद रहे हैं बड़े निजी से क्षेत्रों से। तो बिजली जब खरीद रहे हैं तो बड़े दाम पर, किस पर आफत पड़ रहा है? आम लोगों पर आफत पड़ रहा है। और आज भी कोयले के अभाव में देश का थर्मल पावर बंद हो रहा है। ये सब साजिश है। ये साजिश है कि अंबानी का जो परमाणु ऊर्जा बिजली घर है, उसके बिजली को कैसे खपत कराया जाए जो महंगा होगा। अब देश की जनता को काफ़ी महंगा जो अभी बिजली का दर है, उसे सैकड़ों गुना ज़्यादा बिजली का रेट देना होगा। ये है स्थिति। और हम लोगों ने बनाया था, गांव गांव तक हम लोगों ने ग्रामीण विद्युतीकरण का काम हम लोगों ने शुरू किया था। बिजली का काम एक दिन में नहीं होता, हम लोगों ने शुरू किया, उसी का ये अपना श्रेय ले रहे हैं। इनसे पूछे कि कब से काम शुरू हुआ था और कब ख़त्म होने को था, वो बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए तो अब एनडीए के नेता कह रहे हैं कि जब आप लोगों का यानी राजद का शासनकाल था तो रात में शौच के लिए भी सोचना पड़ता था, बिजली कटी रहती थी। अब सवाल उठा रहे हैं आप लोग। माननीय तेजस्वी यादव जी ने बड़ी सही बात कहा है। शायद उनको नहीं मालूम है जो लोग बोल रहे हैं, कोई आदमी अपनी माँ को नहीं बेचता है। और एनडीए सरकार से नीतीश कुमार जी ने जो कांटी और बरौनी, जो हमारा अपना थर्मल पावर था, इसको इन्होंने एनटीपीसी के हाथों में बेच दिया। यानी कि जो निर्माण करता थे, जो हमारा थर्मल जो माँ का रूप है, वो माँ को बेच कर करके और मौसी से खरीद रहे हैं बिजली। ये ऐसे लोग हैं जो अपना धन बेच करके, अपनी संपत्ति बेच कर करके और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ऐसे निकम्मे औलाद ही इस तरह का हरकत कर सकते हैं। हमारा कांटे बरौनी इतना धीरे धीरे अच्छा हो रहा था, हमने यहाँ पर ग्रिड बनाया था। ये 400/210 ग्रिड जो है संपचक में, वो किनके समय बनाया गया है? ये यूपीए सरकार, लालू जी की सरकार, राबड़ी देवी की सरकार, और मैं उसे बिजली मंत्री था उस समय, ये बना है। और यहीं से पूरे बिहार में बिजली जाती थी और दर्जनों ग्रिड स्टेशन बने और सैकड़ों सब स्टेशन बने। उस समय बिजली हमको नहीं मिलता था भारत सरकार से। जो हमारा ईआरईसी है, ईस्टर्न रीजन इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, उसका हिस्सेदारी होती थी बिहार को, झारखंड को, कलकत्ता को और एनटीपीसी को। सारे बिजली एक जगह इकट्ठा होता था, हमारा हिस्सा होता था, वो नहीं मिलता था। इसके बावजूद हम लोगों को बिजली दे पाते थे और उससे भी हमको कहा जाता था कि आप अपने थर्मल पावर को बेच दीजिए।
हमने नहीं बेचने का काम किया, इन लोगों ने बेच दिया। अब ये बिजली खरीद रहे हैं, अब बाहर से बिजली खरीद रहे हैं बड़े निजी से क्षेत्रों से, तो बिजली जब खरीद रहे हैं तो बड़े दाम पर किस पर आफत पड़ रहा है? आम लोगों पर आफत पड़ रहा है। और आज भी कोयले के अभाव में देश का थर्मल पावर बंद हो रहा है। ये सब साजिश है, ये साजिश है कि अंबानी का जो परमाणु ऊर्जा बिजली घर है उसके बिजली को कैसे खपत कराया जाए जो महंगा होगा। अब देश की जनता को काफ़ी महंगा जो अभी बिजली का दर है उसे सैकड़ों गुना ज़्यादा बिजली का रेट देना होगा। ये है स्थिति, और हम लोगों ने बनाया था गांव गांव तक, हम लोगों ने ग्रामीण विद्युतीकरण का काम हम लोगों ने शुरू किया था। बिजली का काम एक दिन में नहीं होता, हम लोगों ने शुरू किया, उसी का ये अपना श्रेय ले रहे हैं। इनसे पूछे ना कि कब से काम शुरू हुआ था और कब ख़त्म होने को था, वो तो उसका श्रेय वो बोल रहे हैं कब से काम शुरू हुआ था और कब ख़त्म होने को था, वो तो उसका श्रेय वो बोल रहे हैं, उनको अनजान है, उनको नहीं जानकारी है। वो तो बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, अपने माता और पिता से पूछे कि मैं तो कह रहा हूँ पहले क्या था और अब क्या। मैं तो कह रहा हूँ कि वो ऐसा निकम्मा पुत्र है जो अपने माँ को बेच दिया। ये नीतीश कुमार जी और जो सरकार है जो अपनी माँ को बेच कर करके अब बाहर से अपना खपत करे, ये निकम्मे औलाद ही कर सकते हैं, और ये निकम्मा औलाद की पहचान है। कांटी बरौनी जो हमारा सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र था, इसको किसने बेचा जरा उनसे पूछिए, उनसे पूछिए। और जो हमारा ग्रिड सब स्टेशन है संपतचक में किसने बनाया, जो हमारा सैकड़ों ग्रिड स्टेशन बने, हमारा दर्जनों सब स्टेशन बने किसके समय बने थे, इनसे ज़रा जानकारी लेना चाहिए कब से काम शुरू हुआ था और कब ख़त्म होने को था। वो तो उसका बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं उनको अनजान है, उनको नहीं जानकारी है। वो तो बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, अपने माता और पिता से पूछे कि मैं तो कह रहा हूँ पहले क्या था और अब क्या। मैं तो कह रहा हूँ कि वो ऐसा निकम्मा पुत्र है जो अपने माँ को बेच दिया। ये नीतीश कुमार जी और जो सरकार है जो अपनी माँ को बेच कर करके अब बाहर से अपना खपत करे, ये निकम्मे औलाद ही कर सकते हैं, और ये निकम्मा औलाद की पहचान है। कांटी बरौनी जो हमारा सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र था, इसको किसने बेचा जरा उनसे पूछिए, उनसे पूछिए। और जो हमारा ग्रिड सब स्टेशन है संपतचक में किसने बनाया, जो हमारा सैकड़ों ग्रिड स्टेशन बने, हमारा दर्जनों सब स्टेशन बने किसके समय बने थे, इनसे ज़रा जानकारी लेना चाहिए।